हेलो स्टूडेंट, सो आज हम प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनके हम देखेंगे। तो आपको पता है कि आपका पैटर्न 70-30 पैटर्न है, तो 70 में आपका थ्योरी है और 30 में क्या है बोले तो आपका प्रैक्टिकल मार्क्स, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आपको 30 मार्क्स कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है बोल के हम देखेंगे, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। आपको कितना है टोटल मार्क्स, 30 मार्क्स है, ठीक है। ये क्या है बोले तो आपका केमिस्ट्री का है, ओके। तो इसमें क्या होगा बोले तो आपको ऐसा दो टाइप का तुमको क्या करना पड़ेगा बोले तो लैब में दो तरह के आप एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। कौन कौन से, पहला वाला है आपका साल्ट एनालिसिस। तो साल्ट एनालिसिस में हम क्या करते हैं बोले तो आपको जो आप एनुअल एग्जाम में रहते हैं ना, जो लैब एग्जाम रहते हैं ना, तो लैब एग्जाम में कैसे करता है बोले तो एक बीकर रहता है और एक बीकर में आपको साल्ट दिया हुआ रहता है और उसको आप क्या करना बोले तो जो आपका टेबल नंबर है उधर जाके ठहरना होगा। ठहरने के बाद आप क्या करना बोले तो आपके आपके पास जो चार्ट रहता है ना उसके चार्ट के थ्रू से आप सभी प्रैक्टिकल स्टार्ट करना। तो ये क्या है बोले तो पहला वाला साल्ट एनालिसिस है, उसके बाद आप क्या करना बोले तो वो सॉल्ट को देख के या क्रिस्टलिन है या अमॉर्फस है, सोल्यूबल है इनसोल्यूबल है, वो सभी चेक करके लास्ट में क्या लिखना आप बोले तो रिजल्ट लिख लेना। तो इस पे कितना मार्क्स है बोले तो 10 मार्क्स, ओके। तो सेकंड क्या है बोले तो टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन आप फर्स्ट में भी आप किए होंगे। टाइट्रेशन कैसे करते हैं बोले तो 10 ml प्रिपेयर करना ऑक्सैलिक एसिड और उसके बाद क्या करना बोले तो ब्यूरेट में A1O4 ऐड करना। A1O4 करने के बाद हम नीचे क्या करना बोले तो एक कॉनिकल फ्लास्क में हम क्या करना बोले तो जो भी हम केमिकल्स ऐड किए हुए ना उसको क्या करना है बोले तो ऐसा एक हाथ को पकड़ के ऐसा क्या करना बोले तो शेक करना। तो शेक करने के बाद जब हमारा कलर चेंज होता है ना, जब कलर चेंज होने के बाद तब क्या करना बोले तो हम जो ब्यूरेट का रीडिंग हम नोट डाउन करना। तो ये टाइट्रेशन कितना मास का है, 10 मास का, ओके। तो अभी बचता है आपका रिकॉर्ड बुक। तो रिकॉर्ड बुक कितना मास का है, आपको 6 मास का है। अगर आप रिकॉर्ड बुक को अच्छा तरह से मेंटेन किए तो नीटली कुछ भी ऐसा कचरा वचरा नहीं किया तो आपको क्या करता बोले तो इजिली 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन जो आप रिकॉर्ड बुक लिखते हैं ना उससे आप क्या करो बोले तो जो भी रेड पूरा जो आपका रहता है ना रेड पेन, बॉल पेन, जेल पेन ऐसा कोई भी यूज मत करो। जो ग्रीन पेन रहता है ना ऐसा वाला यूज मत करो, बस आप क्या करना बोले तो ब्लू पेन और ब्लैक पेन ये दोनों ही यूज कर लेना, ठीक है। ब्लैक पेन कहाँ पर यूज करना लेना बोले तो जो आप हेडिंग लिखते हैं ना, जो हेडिंग लिखने के बाद जो आप हेडिंग लिखते हैं तब क्या करना है बोले तो ब्लैक पेन यूज करना होगा और जो एजुअल क्या करना बोले तो ब्लू पेन आप यूज कर सकते हैं। एक्सेप्ट ब्लू पेन और ब्लैक पेन आप कौन सा भी पेन यूज करें तो आपका रिकॉर्ड बुक क्या होगा बोले तो इधर 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अभी क्या होगा बोले तो वाइवा मार्क्स। तो वाइवा मार्क्स कितना होगा बोले तो टोटल 4 मार्क्स होंगे। तो इसमें क्या हो गया बोले तो आपको जो भी आपका थ्योरी पार्ट है फ्रॉम 14 चैप्टर जो भी जितना चैप्टर है ना उसमें से क्या होगा बोले तो आपको उसमें से ही आपको क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए अगर आपका थ्योरी थ्रोट अच्छा रहा है तो आपको क्या होगा इधर आसानी से 4 मार्क्स मिलेगा। देखो अगर आप थ्योरी में 1 मार्क्स का लिखने का बोले तो 5-6 बार पढ़ना होगा, लेकिन अगर इस लैब में आप अच्छा तरह से नीटली मेंटेनेंस किए तो आपको 30 out of 30 मिल जाएगा, ठीक है, ओके, थैंक यू। केमिस्ट्री रिकॉर्ड बुक ऐसा ही करते बोले तो आपके ये क्या है बोले तो कॉलेज का सर्टिफिकेट रहेंगे। तो इस कॉलेज का रिकॉर्ड क्या करना बोले तो इधर अच्छे तरह से आपका रोल नंबर और जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है ऐसे लिख लेना और उसके बाद क्या होता है बोले तो जब आप केमिस्ट्री लैब खत्म होता है ना उसके बाद क्या बोले तो इधर वैल्यू बोल के ऐसा सिग्नेचर मारते हैं। तो ये क्या होगा बोले तो आपका केमिस्ट्री रिकॉर्ड बुक चेक हो गया। इसके बाद क्या करना है बोले तो इधर क्या है इंडेक्स क्वेश्चन है। तो इंडेक्स क्वेश्चन में आप कैसा लिख लेना बोले तो आपका जो साल्ट एनालिसिस है साल्ट एनालिसिस प्लस क्या कर लेना बोले तो इधर साल्ट एनालिसिस 1 लिखना और साल्ट एनालिसिस 2 ऐसा जितना साल्ट एनालिसिस होता है ना उतना लिख लेना और बाद में जो हमारा टाइट्रेशन है वो टाइट्रेशन इधर लिख लेना। उसके बाद हम क्या करना है बोले तो इधर हम पेज नंबर भी हम याद करते रहना क्योंकि जो भी हमारा जो इन्वेजिलेटर है उसको पता होना चाहिए कि
कौन सा एक्सपेरिमेंट किस पीजीएस में है बोलते, ठीक है। तो इसके बाद ये एक्सपेरिमेंट है, तो एक्सपेरिमेंट कब स्टार्ट हुए थे और जब तुम कब रेकॉर्ड बुक सबमिशन किया बोल के इधर भी आप डेट दे करना। उसके बाद आपका जो एक्चुअली जो सब्जेक्ट का एक्चुअली है उनका आप उधर क्या करना बोले तो सब्जेक्ट का सिग्नेचर लेना। तो ये क्या होगा बोले तो इंडेक्स का। उसके बाद क्या कर लेना बोले तो आप फर्स्ट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं ना, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आप इधर से स्टार्ट करना। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कैसे स्टार्ट करना बोले तो एक पेज छोड़ के इधर भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इधर कोई भी व्हाइट पेज नहीं है ना, इसलिए हम क्या करने वाले बोले तो इधर से हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है हम क्या करना बोले तो रूल पेज में हम स्टार्ट कर लेना। तो इधर क्या कर रहे हैं बोले तो रूल पेज में हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है, नेक्स्ट पोर्शन में भी हम कंटिन्यूएशन पार्ट कर लेना। उसके बाद क्या करना बोले तो इधर जो भी हमारा रिजल्ट है वो हमारा कंपलसरी पूरा रूल पेज में होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा लोग क्या करते हैं बोले तो अनरूल के ऊपर क्या करते हैं बोले तो रिजल्ट लिख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। जो हमारा क्या होता है बोले तो रूल पेपर्स रहते हैं ना, उसमें क्या करना बोले तो जो लास्ट दो या तीन लाइन को छोड़ के आप उधर क्या रखना बोले तो जो भी हमारा रिजल्ट है क्या है, एसिड रेडिकल इज ऐसा बेसिक रेडिकल इज एंड द गिवन साल्ट इज, ऐसा क्या करना बोले तो अनरूल में आप रिकॉर्ड लिख लेना। इसके बाद अभी अगला क्या करना बोले तो सेम इधर तो एक पेज छोड़ना, इधर से स्टार्ट करना, ओके। क्योंकि जो भी हम नए एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं हम क्या कर लेना बोले तो अनरूल की जो भी हमारा अनरूल पेजेस है वहां से हम स्टार्ट करना होगा, ओके। तो ऐसे ही है कंटिन्यूएशन।